और उसके बाद विदिशा की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर करीब 2 महीने पहले 17 फरवरी को जो है पुरनपुरा निवासी देवेंद्र कुशवाहा को यहाँ पर उनके कुछ साथी अपने साथ लेकर गए थे। दूसरे दिन वो यहाँ पर मृत अवस्था में मिला था। इस मामले में कुछ लोगों के नाम बताते हुए यहाँ पर हत्या की आशंका जताते हुए उक्त युवकों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बता दें कि यहाँ पर कुशवाहा महासभा का यहाँ पर जिले और साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों ने परिवारजनों के साथ एसपी कार्यालय में यहाँ पर एएसपी समीर यादव को एक लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें यहाँ पर उन्होंने जो है उक्त युवकों के खिलाफ दोबारा से कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यहाँ पर पुलिस की तरफ से इस घटनाक्रम में अब तक कोई कार्रवाई ना करने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। जल्द यहाँ पर कार्रवाई कर उसका खुलासा करने की मांग की। ये रात को 10 बजे खाना खाने का गया था देवेंद्र कुशवाहा, उनको घर से ले गए 3 दोस्त, राहुल सैनी, गोलू परियार, देवेंद्र एक बार, और ले जाके दारू मारू पिलाइए उनको। सवेर मेरे तहसील में मिला हुआ है, कहाँ उधर क्या मिला हुआ था, क्या उधर पीछे मोहल्ले में मिला हुआ है, फिर क्या उधर चाहते हैं आप? कीटनाशक दवाई आई है, आप कीटनाशक यहाँ आए कलेक्टर एडिशनल साहब से, क्या बोला है, गिरफ्तार गिरफ्तार करवाना करवाना है सब अपराधियों को, सजा दे, कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही। कुशवाहा महासभा जिला विदिशा द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। आज से 2 माह पूर्व देवेंद्र कुशवाहा के उसके दोस्तों के साथ में उनको ले गए थे और उनको ज़बरदस्ती जहर पिलाकर उनको मारा गया था, जैसे उनके परिजनों का आरोप है। और लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। मृतक के परिवार कुशवाहा महासभा के पदाधिकारियों के बीच आए तो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। माननीय एडिशनल एसपी साहब ने हमें कहा है कि संतोषजनक कार्रवाई करके और उचित कार्रवाई करेंगे। यदि हमारे तथ्यों को लेकर के जो हमारे पास सबूत हैं उनके आधार पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कुशवाहा महासभा आगे आंदोलन। क्या अभी पिछले 2 माह पहले देवेंद्र कुशवाहा की मौत हुई थी, उसके मृत्यु को लेकर के उनके परिजनों में और कुशवाहा समाज के लोगों के द्वारा कुछ शिकायत की गई है और कुछ जाँच के संबंध में जानकारी देने की बात कही गई है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो जाँच की गई उसको हम रिव्यू करेंगे और जांच को सारे तथ्यों के आधार पर पूर्ण करते हुए इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे।